छत्तीसगढ़ सरकार की ओबीसी को 27% आरक्षण के फैसले पर हाईकोर्ट से रोक पर याचिकाकर्ता के खिलाफ एसटी एससी ओबीसी संयुक्त मोर्चा ने बंद का आह्वान किया है। संयुक्त मोर्चा ने याचिकाकर्ता के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रदेश में बंद कांकेर शहर में भी बंद कराया, लेकिन यही नहीं व्यापारी वर्ग से भी समर्थन नहीं किया। व्यापारियों ने बंद को समर्थन देने से इनकार कर दिया। इसके बाद संयुक्त मोर्चा के लोग दिन भर शहर बंद कराने के लिए घूमते रहे, लेकिन दुकानें बंद नहीं हुई। ऐसा है कि 13 नवंबर को बंद का जो आयोजन था महासंघ के द्वारा, वो पहले तो हमने सहमति दे थी चेंबर के तरफ से, हमको चेंबर में जो प्राप्त हुआ था उनके द्वारा लेटर, उसके बाद में लेकिन जब रायपुर से हमें प्राप्त हुआ कि इन्होंने स्थगित कर दिया है हवाला देते हुए 144 धारा का प्रदेश और देश में स्थिति अच्छी नहीं होने का स्थगित कर दिया है, इसलिए हमने इसको स्थगित कर दिया था बंद। आज 11:30 बजे मुझे लोगों ने बंद के लिए फोन किया, भैया बंद में समर्थन कीजिए। मैंने कहा भाई आप लोग बोले अपने लेटर दें, बोला लेटर दे देने से समर्थन नहीं हो जाता है, वो एक सूचना होती है आपके द्वारा, और आपको अगर ऐसा था तो कल आके संपर्क करना चाहिए था, आज सुबह से निकलना चाहिए था। अचानक आप 11:30 बजे मुझे फोन करके बोल रहे हैं कि 3 बजे तक बंद का समर्थन कीजिए, तो ये संभव नहीं है।